हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इतना उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, NS इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मोटर पंप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मोटर पंप को यानी कि ट्यूबवेल में कैसे सेटिंग किया जाता है, चलिए आज मैं उसका इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और आप लोग को हम बताने जा रहे हैं और दिखाएंगे। और देखिए, मेरे पास यफ चाबी, सलाई रेंच, हथौड़ी, प्लास और क्या कहते हैं आरी ब्लेड, पेचकस, सब कुछ हम रखे हैं। देखिए, और ट्यूबवेल में कैसे हम सेटिंग करने जा रहे हैं। और सेक्शन पाइप भी रखा हुआ है, आयरन पाइप भी 5 इंच का रखा हुआ है और क्या कहते हैं चेक होल भी रखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम कहाँ सेटिंग करेंगे, यहाँ पे सेटिंग करेंगे। ठीक है, ट्यूबवेल में ऑलरेडी पहले से टी लगा हुआ है। अब इस टी में कौन सा पाइप पहले सेटिंग होगा, पाइप सेटिंग करने के बाद फिर उसमें क्या लगेगा, हम उसका भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, पहले ये वाला पाइप सेटिंग होगा। देखिए ये वाला पाइप, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं ये वाला आयरन पाइप को सेटिंग करने के लिए। देखिए यहाँ, अब ये चेक होल है और चेक होल में निशान भी दिया जाता है। ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये वाला निशान हर हमेशा आगे रहना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन को ओके कर दिए हैं, टी में पाइप वहाँ लगा दिए हैं आयरन पाइप, फिर यहाँ क्या कहते हैं चेक होल लगाए हैं, चेक होल के बाद फिर आयरन पाइप, उसके बाद सेक्शन पाइप लगाए हैं, सेक्शन पाइप होते हुए डायरेक्ट वहाँ मोटर में चला गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए मोटर वहाँ सेटिंग कर दिए हैं। देखिए ये वाला ट्यूबवेल में सेटिंग किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और इतना उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।